सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते थे, सर आईपीओ से रिलेटेड वीडियो बनाइए, बट मेन बोर्ड आईपीओ से रिलेटेड मतलब आते ही नहीं थे, तो वीडियो कैसे बनाएंगे। एंड जो भी आते थे ठीक ठाक आईपीओ होते थे। सो अभी हम कह सकते हैं दोस्तों, काफ़ी समय के बाद एक डिसेंट आईपीओ हम लोगों को बाज़ार में आते हुए देखने को मिले। मैं मेन बोर्ड आईपीओ की बात कर रहा हूँ। ऐसे में आईपीओ में तो भाई बहुत बड़ा बड़ा खेल चलता है, और वो मतलब देखा गया तो इतने छोटे छोटे आईपीओ होते हैं, 20 करोड़ 25 करोड़, तो मतलब कितना भी कोशिश कर लो वहाँ पे मिलने के चांसेस तो ना के बराबर ही होते हैं। एनीवेज, सो मेन बोर्ड आईपीओ की बात करें, यहाँ पे भी डीमैट अकाउंट अभी बढ़ चुके हैं। आप सभी लोगों को पता है सीडीएसएल के नंबर ने भी दिखा दिया कि कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है करके, तो वो क्या लक का ही पार्ट है। कितने लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि मिलता नहीं है करके, भाई वो किसी के हाथ में नहीं है। मैं भी आईपीओ में लगा देता हूँ, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो क्या करें, नेक्स्ट आईपीओ, फिर उसके बाद नेक्स्ट आईपीओ, यही करना होता है। सो दो बड़े आईपीओ हम लोग को देखने को आप मिल रहे हैं, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले दोस्तों इंडिग्री आईपीओ से रिलेटेड। यस, ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है, इसका एक आईपीओ देखने को मिला, एक और कंपनी है। तो आप सभी लोगों को पता है खास करके दो ही चीज़ें देखी जाती है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए या फिर लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए। ठीक है, वैसे तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बट यूजुअली देखा गया तो लिस्टिंग गेन के लिए सबसे पहले मतलब किसी भी स्टॉक को या फिर आईपीओ को प्रेफर करना अच्छा होता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर जाना ही है, ठीक है, तो आराम से आप नंबर्स को देख सकते हैं। अभी जैसे कि पता है मार्केट टॉप लेवल पे रहता है, हाई भी ज़बरदस्त रहती है, तो स्टॉक एकदम टॉप टॉप लेवल पे चले जाते हैं। जिनको आईपीओ नहीं लगता वो ओपन मार्केट में खरीद लेते हैं, एंड उसके बाद अननेसेसरी स्टॉक बढ़ता है, उसके बाद वो धीमे धीमे करके नीचे आता है। सो आराम से आप बाद में कंपनी के नंबर देखने के बाद भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो पहले तो कंपनी से रिलेटेड थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं, भाई कंपनी है क्या। 1998 से कंपनी का बिजनेस हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुका है। लाइफ साइंस इंडस्ट्री रहती है ना, उनको ये डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड यहाँ पे करवाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं भाई फार्मा से रिलेटेड इनका बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट डिजिटल सर्विसेज के थ्रू। जैसे कि आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ों में मदद करते हैं, ड्रग डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें, रेगुलेटरी सबमिशंस की अगर बात करें, फार्मा से रिलेटेड मतलब सपोर्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे सेल्स की हो या फिर मार्केटिंग की हो। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी और क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो चार मेजर सर्विसेज यहाँ पे बता के रखी हुई है। जैसे कि एंटरप्राइज कमर्शियल सॉल्यूशन है, ओमनी चैनल एक्टिवेशंस की बात करें, एंटरप्राइज मेडिकल सॉल्यूशन की बात करें, एंटरप्राइज क्लिनिकल सॉल्यूशन, कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें, तो उसमें कंपनी मतलब मदद करने की कोशिश यहाँ पे करती है। सो डिजिटली कंपनी का हम लोगों को योगदान देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड खास करके फार्मा की और हम लोगों को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, देन कंपनी ने छोटे मोटे चीज़ें यहाँ पे बताई है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कंपनी के पास 65 एक्टिव क्लाइंट्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, दिसंबर तक का डेटा के हिसाब से बातें हम लोग कह रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, तो आप चेक कर सकते हैं। इंडिया में बिजनेस है इनका, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप में है, चाइना में है, सो और भी अलग अलग मतलब वर्ल्ड वाइड इनका हम लोग को बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, थोड़े से फाइनेंशियल्स को ओवरव्यू कर लेते हैं कि जो भी रुपीज़ है करोड़ में है। ठीक है, 21, 22, 23, ये भी 23 का पूरा डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला। अच्छा, ये दिसंबर तक का ही ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए, तो डायरेक्टली कंपेयर मत करना, बाकी का 12 मंथ का डेटा है। सो 500, 1300, 2200, ठीक है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करेंगे 996, 1600, 2300 का है। ठीक है, अगेन कहना चाहूँगा ये सिर्फ ये कितने महीने का डेटा रहेगा, ये 9 मंथ का डेटा है, बाकी के सब कुछ 12 महीने का डेटा है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, उसी हिसाब से देखो। देन पैट की बात करें, नेट प्रॉफिट तो 150 था, 162, 266 नाइन्थ महीने में, अगर हम लोग बात करें तो 250 के करीब जाते हुए देखने को मिला है। सो पिछले प्रॉफिट को बीट कर सकता है, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। कंपनी की नेटवर्थ भी हम लोग को अच्छे देखने को मिला है। आरएनएस की बात करें तो वो भी 300, 700, 1000, 1200 तक ग्रो होते हुए देखने को मिल चुका है। कर्जे की बात करें तो 24, 18 लगभग 400 करोड़ के आसपास का कर्जा भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इनकम की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो अच्छा डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी का मार्केट कैप तो 10,000 से 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, रफली आप ऐसा कह सकते हो। मतलब एक मिड साइज की कंपनी है, आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे देख सकते हो। डेप्ट टू इक्विटी रेशो की बात करें तो 0.3 में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, भाई आईपीओ के पैसे को आप करोगे क्या, तो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बता के रखे हुए। सबसे पहले आप यहाँ पे कह सकते हो कि कुछ कर्जा वर्जा पे करने के लिए, पार्ट पेमेंट रीपेमेंट के लिए यहाँ पे बता के रखा हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स की अगर हम लोग बात करें, उसके लिए फंडिंग चाहिए, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो कि हमेशा के लिए देखने को मिल जाते हैं। अभी आ जाते हैं आईपीओ के डिटेल के, और 6 मई को यह आईपीओ ओपन होगा। ठीक है, यूजुअली 3 दिन ही रहता है, 6, 7, 8, चलो मतलब बीच में कोई छुट्टी नहीं है। 2 का फेस वैल्यू है, प्राइस बैंड 430, 452, अभी हर किसी को पता है, यूजुअली लोग कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट करते हैं, 33 का लॉट है,
इश्यू साइज कितना है, 1840 करोड़ का, मतलब बड़ा आईपीओ हमें ऐसा कह सकते हैं। उसमें से फ्रेश इशू ये कंपनी के पॉकेट में जाएगा लगभग 750 करोड़। ऑफर फॉर सेल ये जाएगा प्रमोटर, मतलब जो भी अपना माल बेच रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उनको 1000 करोड़ यहाँ पे मिलने वाले। ठीक है, एम्प्लॉय हो गए तो 30 का डिस्काउंट है। बुक बिल्डिंग NSE BSE दोनों के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। रिजर्वेशन की बात करें 50% कोटा QIB के पास है, रिटेल के लिए 35 है, और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसमें HNI भी आता है वहाँ पे केवल 15% का ही होल्डिंग, मतलब कोटा देखने को पे मिल रहा है। तो यूजुअली ये 50-35-15 का ही हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, टाइम टेबल फटाफट देख ले वापस। 6 तारीख को ओपन होगा, 8 तारीख को क्लोज होगा, 9 तारीख को किसको IPO लगा उस किसकी किस्मत चमकी नहीं चमकी वो पता चलेगा, जिसको नहीं लगा 10 तारीख को रिफंड, एंड 10 तारीख को ही क्या हो जाएगा उनके अकाउंट में शेयर्स भी आ जाएंगे। और 13 मई की अगर बात करें तो स्टॉक हम लोग को लिस्ट भी होते हुए देखने को आप मिल जाएगा। सो ओवरऑल अगर हम बात करें IPO के लॉट साइज की, तो अभी तक आपको ये तो सारी चीज़ें अभी बाय आउट हो चुकी होगी। 15,000 के आसपास का एक मिनिमम लॉट रहता है, ठीक है। देन HNI कैटेगरी में जाओगे तो 2 लाख के ऊपर रहेगा, और बिग HNI में 10 लाख के ऊपर यहाँ पे रहेगा। सो फिलहाल अगर देखा गया तो ये IPO ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को आप मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम, ठीक है, जो मैक्सिमम जनता होती है दोस्तों, वो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर ही क्या करते हैं, किसी भी IPO में चली जाती है। ठीक है, वैसे तो सिर्फ वो देखना ठीक नहीं रहेगा, बट उस हिसाब से भी देखा गया ना तो 95% अगर देखा गया तो उसी के हिसाब से भी चीज़ें सही चलती हैं। ठीक है, कि ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा है तो काफ़ी सारे लोग लिस्टिंग गेन के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसे आपने देखा होगा, जिन जिन कंपनी का GMP अच्छा होता है वो एकदम सडनली हम लोग को ओवर सब्सक्राइब पहले कुछ चंद घंटों में होते हुए देखने को मिल जाता है, एंड इस IPO के साथ भी वैसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। सो अगर हम लोग इस कंपनी की बात करें तो प्रमोटर के पास कितने शेयर्स है, केवल 30% है, मतलब बाकी पूरा पैसा फंडिंग के लिए उन्होंने क्या किया, इक्विटी डायलूट यहाँ पे किया है। ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल जाती है। आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, कि ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका कितना चल रहा है आज के दिन में, 58, मतलब चलो 60% GMP चल रहा है। तो 60% एक काफ़ी हैंडसम GMP है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो GMP वाले, मतलब बोलते हैं ना ग्रे मार्केट देखकर इस IPO में पैसा लगाने वाले काफ़ी लोग हम लोग को देखने को मिलेंगे, तो ये ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस काफ़ी हाई यहाँ पे रहने वाले हैं। सो ज़रूर ये था पहला IPO, ज़रूर आप चाहो तो इसको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग इसको GMP के चलते क्या कर सकते हैं, इसमें निवेश करने का विचार कर सकते हैं। जाना है नहीं जाना है वो आपकी मर्जी, बट हाँ, जिस कंपनी का GMP 5% 10% रहता है वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा लोग जाते हुए देखने को आप नहीं मिलते, डिसेंट इन्वेस्टर, क्योंकि उनको भी पता है अगर मिल भी गया तो भी कितना मिलेगा, काफ़ी कम। और अगर कुछ मार्केट में डिजास्टर हो गया तो वो 5-10% का ही प्रीमियम वाला सीधा डिस्काउंट के ऊपर ही लिस्ट होने के खतरा रहता है। तो 60% वाला अगर कोई कंपनी है जिसका GMP आज के ज़माने में 60 नज़र आ रहा है, तो वो शायद से गिर गिर कर भी कितना गिरेगा, 20-25-30 के आसपास ही आएगा, मतलब लॉस में जाने के चांसेस बहुत रहेंगे, अंटिल एनालिस्ट कुछ बहुत ही बड़ा कुछ ड्रामा ना हो जाए। सो ज़रूर आप इस IPO को पढ़ सकते हो, काफ़ी डिसेंट IPO नज़र आ रहा है। लेट्स मतलब स्टार्ट विद द सेकंड कंपनी, और वी कैन से कि सेकंड IPO। सो ये कौन सा IPO की यहाँ पे बात हो रही है, TBO टेक IPO करके, ठीक है, ये आप देख सकते हो TBO.com। सो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैवल सिंप्लीफाइड, मतलब ये ट्रैवल एजेंसी, मतलब ट्रैवलिंग से रिलेटेड कंपनी देखने को मिले। 2006 में स्टार्ट हुई थी, आज जो इसका नाम है, इसका पहले का नाम हम लोग को टेक ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड करके ही देखने को मिलता था। सो ट्रैवलिंग वाली कंपनी भाई, तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड क्या करवाते हो आप जरा बता दीजिए। सो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म का इनका हम लोग को धंधा देखने को आप मिल जाता है। आप कस्टमर जो रहते हैं, आपको जो जो चीज़ें चाहिए उस हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। इनके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑफर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप मतलब आपको होटल चाहिए, कौन से फ्लाइट से आपको जाना है, भाड़े में आप लोगों को गाड़ी चाहिए कोई तो घूमने के लिए, ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें इंश्योरेंस से रिलेटेड, रेल कंपनी, जो भी आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें कंपनी आपको सिंप्लीफाइड मैनर में गाइड करने की कोशिश करती है, प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। ट्रैवल एजेंसीज के साथ बहुत सारे टाइप्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उसी के साथ साथ मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड बेसिकली कंपनी का बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। देन फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी तक कंपनी का 31 दिसंबर 2023 तक की अगर हम लोग बात करें, 7,500 डेस्टिनेशंस हम यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी ने सोल्ड यहाँ पे, कि इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा, और 100 से ज़्यादा कंट्रीज में लोग यहाँ पे जाते हैं, उनके साथ इनको बिजनेस होते हुए देखने को मिला है। 2,000 से ज़्यादा लोग इनके साथ हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आपके फाइनेंशियल्स बताओ भाई कितनी कमाई होती है। सो अगेन डेटा देख सकते हैं, मार्च और ये दिसंबर, ये 9 महीने का ही डेटा है। सो पॉइंट टू बी नोटेड। लेट्स स्टार्ट विद द असेट, 500 करोड़, 1200-2500 करोड़ के असेट से अच्छी बात है। एंड रेवेन्यू एंड पैट की अगर हम लोग बात करें, रेवेन्यू 176, 500,000 करोड़ का रेवेन्यू, एंड प्रॉफिट पहले लॉस में थी फिर उतना ही प्रॉफिट में आया, 150 करोड़ का प्रॉफिट। तो एंड अभी 9 महीने में ही पिछले प्रॉफिट 12 महीने के प्रॉफिट को बीट किया है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नज़र यहाँ पे आ रहा है। RNS की भी अगर बात करेंगे
197, 200, 300, 400 तो अच्छा डेटा देखने को, और कर्जा अगर देखा गया कंपनी का तो इतना भी कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, 3 करोड़ के आसपास का कर्जा है। सो मार्केट कैप कितना है भाई कंपनी का, तो लगभग 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो अनदर मिड कैप कंपनी, पहले भी कंपनी मिड कैप थी, ये वाली भी मिड कैप है। क्या करोगे भाई, आईपीओ लाकर जो आपको पैसा मिलेगा उससे रिलेटेड तो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने यहाँ पे बताया। सबसे पहले अगर हम देखेंगे एक्सपेंशन करेंगे बिजनेस का, आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो, उसी के साथ साथ नए बिजनेस लाइन में जाने के लिए भी पैसा लगता है तो ऐड करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें और भी ग्रोथ से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज रहेगी, सिनर्जीज ढूंढने की कोशिश करेंगे। एंड देन उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो और भी टाइप्स यहाँ पे वो करते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब पैसे का एकदम अच्छे तरीके से इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, वो सारे पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे बताया है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंपनीज का आईपीओ का डिटेल क्या है। 8 तारीख को शुरू होगा, 10 को क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देन उसी के साथ साथ प्राइस बैंड देख सकते हैं, 875, 920, फाइन 16 का लॉट है। देन नीचे आ जाते हैं 1550 करोड़, ये भी एक बड़े साइज़ का आईपीओ है जिसमें से 400 करोड़ ही केवल कंपनी के पास जाने वाला है, बाकी 1150 जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो एग्जिट यहाँ पे ले लेंगे, NSE BSE के ऊपर लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। रिजर्वेशन क्या है तो 75%, बाप रे बाप, QIB के पास ही ज़्यादा चला गया। तो यहाँ पे अगर देखा गया रिटेल केवल 10%, HNI वालों को तो 15% ही रहता है, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो HNI वाले हैं उनको तो मतलब पहला आईपीओ या फिर ये आईपीओ ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, रिटेल वालों को फर्क पड़ेगा, पहला वाला आईपीओ में 35% का कोटा है, रिजर्वेशन है, यहाँ पे केवल 10%। वैसे मिलने के चांसेस कम रहते हैं, बट फिर भी उसमें भी अगर कम चांसेस देखा गया तो इस आईपीओ में देखने को मिलेंगे, बिकॉज केवल 10% का ही कोटा यहाँ पे रिजर्वेशन रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो टाइम टेबल वापस देख सकते हैं, 8 को ओपन, 10 को क्लोज यहाँ पे हो जाएगा, 13 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगा, 14 को रिफंड, 14 को ही जिनको शेयर्स लगे उनको मिल जाएंगे, और 15 तारीख को एक और कंपनी हमारे शेयर बाजार में लिस्ट होकर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देगी। एप्लीकेशन तो आपको पता है 15,000 के आसपास ही एक लॉट रहेगा, ठीक है। HNI 2 लाख के ऊपर और बिग HNI की बात करें तो 10 लाख के ऊपर, 51% अभी फिलहाल हम लोग को प्रमोटर के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें, ये भी आईपीओ इंटरेस्टिंग रह सकता है, एंड इसमें भी अगर रीजन ये है दोस्तों तो GMP यहाँ पे भी आप देख सकते हो जैसा 58 था किसका, अभी इसके पहले के आईपीओ का, इसका भी ऑलमोस्ट वैसा ही है 56-57। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोनों आईपीओ का GMP काफ़ी हेल्दी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऐसा हेल्दी GMP यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो मैंने शुरुआत में जैसे कहा कि GMP को देखकर निवेश करने वाले काफ़ी सारे लोग हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ये सिर्फ आईपीओ इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी वैसे तो इतनी गलत नहीं, क्योंकि इसका सक्सेस रेशो काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बट फिर भी एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से बोला जाता है कि GMP को, सिर्फ GMP को देखकर नहीं जाना होता, बाकी की चीज़ों को स्टडी करना यहाँ पे होता है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, काफ़ी टाइम के बाद मेन बोर्ड आईपीओ, दो मेन बोर्ड आईपीओ हम लोग को देखने को मिले जिनका लगभग GMP हम लोग को 60 के आसपास देखने को मिला है आज के तारीख के हिसाब से। आपको पता है भाई मार्केट है, ये 60 का 50 भी हो सकता है, ये 60 का 70 भी हो सकता है, बट करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूँ तो 60% के आसपास का दोनों का GMP अप्रॉक्सीमेटली देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।